हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सीखने के लिए हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सीखना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ो या कोई भी एक आप ऐसे ज्योमेट्री पकड़ो जिसपे आप अगर बहुत दूर से अगर आप टॉर्च मारने वाले, टॉर्च मतलब उसका शेडो लोगे ना कोई भी प्लेन पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन कभी भी ऐसे स्क्वायर टाइप समथिंग रहता है। ठीक है, दो एक्सिस को मिला के, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इसको स्क्रीन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये एक ऐसे स्क्रीन है और ये एक ऐसे स्क्रीन है, और वो स्क्रीन पे हम लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में प्रोजेक्शन लेने वाले हैं किसका, पॉइंट्स का। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पॉइंट्स का लोकेशन ऐसे बोला जाता है, पॉइंट लाइज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, या तो फिर अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, या फिर बिलो इन फ्रंट ऑफ बिलो बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस वन जिसमें है अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, और वो किधर होगा लाई करेगा आपको इसे समझना पड़ेगा स्टेटमेंट से। अबव मतलब ऊपर, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन मतलब इसके आगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट्स से हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का ये डिस्टेंस है 20, ये डिस्टेंस है 10। ठीक है, तो ये पॉइंट का हम लोग को प्रोजेक्शन लेने का है। तो ठीक है, प्रोजेक्शन लेने के लिए सबसे पहले याद रखना कि जो ऑब्जर्वर रहता है ना वो हमेशा यहीं पे रहता है। ऑब्जर्वर अपना जगह कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो हमें अभी प्रोजेक्शन लेना है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग ये साइड से टॉर्च मारेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रंट व्यू। ठीक है, ये साइड से टॉर्च मार रहे तो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कैसा होगा, इस पे टॉर्च मारेंगे तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन पे आएगा इसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में। और जब इसको ऊपर से टॉप व्यू से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे इसका डिस्टेंस होगा 10 और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका डिस्टेंस होगा 20। ठीक है, तो और एक चीज हम लोग अभी देखते हैं, ये क्वाड्रेंट कैसे है, ऐसे है। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन इस वाले वर्टिकल प्लेन पे आया और ये वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आया। ठीक है, बट हम लोग इसको अभी सॉल्व करने वाले पेपर पे जो टू डायमेंशनल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, ये जो ऐसे है मैं इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर वाला इधर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन और नीचे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हम लोग कभी भी क्या करते, कभी भी रूल याद रखो, रूल नंबर वन, कभी भी टॉप व्यू लोगे ना तो टॉप व्यू का हम लोग डिनोट करते ए बी सी डी एंड सो ऑन, और फ्रंट व्यू लेते हैं ना हम लोग तो वो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, मतलब डैश होना चाहिए उसमें। ठीक है, और रूल नंबर टू क्या है कि कोई भी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है ना, जैसे कि मैंने बुक में बताया, हम लोग उसको ऐसे ओपन कर देते। ओपन मतलब क्या, हम लोग उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या घूमते हैं मैं बताता हूँ अभी। तो केस नंबर वन, अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो 10 किधर आ रहा है, वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे किधर, ऊपर हो गया, और ये फ्रंट व्यू है इसलिए ये क्या होगा, ए डैश, यहां पे ए डैश आया और यहां पे क्या आया, ए आया। ठीक है, बट हम लोग इसको क्या करते हैं, बुक को जैसे मैंने ओपन किया वैसे इसको यहाँ पे हम लोग रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से। ठीक है,
तो 90 डिग्री से हम लोग रोटेट करेंगे तो ये किधर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। तो फिर ये कहां पे हम लोग बनाएंगे, नीचे बनाएंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, और ये क्या है ए। ठीक है, इतना समझा। अभी हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए देखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पे पॉइंट इज लेट से ए, अगेन सेम डिस्टेंस पे यहां पे है 20 और यहां पे है 10। यहां से अभी इसको प्रोजेक्शन मारेंगे, टॉर्च मारेंगे हम लोग, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा और इसका यहां पे आएगा। तो जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन रहता है वो आएगा ए, और जो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन रहता है वो आएगा ए डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा समवॉट यहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 20, और ये क्या ए है ना, टॉप व्यू है इसलिए ए। केस टू, केस टू क्या है, फ्रंट ऑफ सॉरी केस टू क्या है, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन एंड अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसका हम लोग ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो अभी ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, जो इसका फ्रंट व्यू का है पॉइंट वो तो ऊपर लाई कर रहा है ए डैश एट ए डिस्टेंस ऑफ 10, और जो इसका टॉप व्यू का था हम लोगों ने इसको रोटेट किया ऐसे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो भी ऊपर ही आया, तो वो एट ए डिस्टेंस ऑफ यहां से 10 होगा। ये है ए डैश, ये है ए, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 20। ठीक है, और ये 10 डिस्टेंस है। तो ये समझा केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर देखते हैं अभी। अभी केस थ्री क्या होगा कि हम लोग लेते हैं बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, तो ये हो जाएगा बिलो, ये एरो डिनोट कर रहा है बिलो को, और इन फ्रंट ऑफ मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ मतलब पॉइंट कहां पे लाई करेगा, पॉइंट यहां पे कहीं लाई करेगा, अगेन ये डिस्टेंस 20 और ये डिस्टेंस 10। इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आएगा वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 आएगा, और ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 आएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट किया तो 10 समवॉट यहां पे आएगा, इसका फ्रंट व्यू का क्या होएगा ए डैश, और इसका टॉप व्यू का क्या होगा ए, तो ए को हम लोग ने रोटेट किया तो यहां पे आया। तो जब हम लोग इधर बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू तो सामने में आया। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10, और इसका टॉप व्यू कहां पे आया, वो भी इधर आया नीचे एट ए डिस्टेंस ऑफ 10, यहां से 10 और ये ओवरऑल होगा 20, ये होगा ए डैश फ्रंट व्यू का, क्योंकि ए डैश होता है और टॉप व्यू का ए। ठीक है, केस फोर देखते हैं अभी। केस फोर होगा बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो बिहाइंड बिलो वर्टिकल प्लेन।
ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, एक पॉइंट बनाते हैं, अगेन ये डिस्टेंस है 20, ये डिस्टेंस है 10, लेट्स से पॉइंट ए, इसका प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे फ्रंट व्यू का, तो ये यहाँ पे आएगा, और इसका टॉप व्यू का प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, और फ्रंट व्यू का तो इधर ही रहेगा, तो देखते हैं यहाँ पे बना के हॉरिजॉन्टल, सॉरी टॉप व्यू वाला हम लोग ने लिया, उसको 90 डिग्री से रोटेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले को, तो हम लोग को मिलेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 20, ए, ठीक है। और इसको जब हम लोग फ्रंट व्यू ले रहे थे तो फ्रंट व्यू तो नीचे ही आया एट ए डिस्टेंस ऑफ 10, ओके। तो ये हम लोग अभी केस फाइव देखेंगे। केस फाइव क्या है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, मतलब क्या, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन या ऑन भी बोल सकते हैं इसको आप, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, तो ये पॉइंट यहां पे होगा लेट्स से ए, और ये कुछ 10 डिस्टेंस पे वर्टिकल प्लेन से, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम लोग अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू तो ये प्लेन पे ही आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यहाँ पे बना देते एक्स वाई प्लेन, तो इसका हम लोग देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन तो ये वाले लाइन पे ही आएगा, बट इसका ऊपर से देखेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इस वाले को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसका फ्रंट व्यू तो ये प्लेन पे ही आएगा, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ले लेते हम लोग फ्रंट व्यू को, हम लोग लेते हैं ए डैश, और इसका टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, इसका टॉप व्यू नीचे आएगा, ठीक है, कितना नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा, हम लोग इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो 10 नीचे ए, ठीक है। तो ये किसके लिए था, फ्रंट के लिए था। अभी केस सिक्स क्या हो जाएगा, हमारा पता है सेम पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, तो बिहाइंड मतलब क्या, अपना पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, मतलब यहां पे लेट्स से ये भी 10 डिस्टेंस पे पॉइंट ए, तो अगेन इसका फ्रंट व्यू हम लोग देखेंगे तो फ्रंट व्यू जो होगा वो यहीं पे आएगा ये प्लेन में, बट जब इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग रोटेट करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, तो ये इस बार किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जो बिहाइंड का है ए तो सेम रहेगा, जो ए डैश है ये डैश, सॉरी ए डैश सेम रहेगा, जो ए है वो चेंज हो जाएगा, तो ये फ्रंट का था ये बिहाइंड, ठीक है। अभी हम लोग केस सेवन और केस एट देखते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन एंड इन अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब क्या है, वर्टिकल प्लेन मतलब इस पे किधर होना चाहिए, यहां पे वर्टिकल प्लेन और अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब यहां पे, तो ये डिस्टेंस को हम लोग 20 लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट ए लेते हैं, तो इसका फ्रंट व्यू देखोगे हम लोग तो फ्रंट व्यू तो वर्टिकल प्लेन पे ही आएगा, और इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो टॉप व्यू आएगा ये वर्टिकल प्लेन पे रहेगा, ठीक है, और फ्रंट व्यू तो यहां से वर्टिकल प्लेन पे रहेगा, तो ये है एक्स वाई प्लेन, तो इसका फ्रंट व्यू तो ये लाइन पे रहेगा, इस पे कोइंसाइड करेगा इससे, सॉरी फ्रंट व्यू नहीं टॉप व्यू, और इसका जो फ्रंट व्यू है वो किधर है 20, तो ये ऊपर में आएगा, ये हो गया ए डैश, ये हो गया
ए सॉरी फ्रंट व्यू वाला ए डैश होएगा, फ्रंट व्यू ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगेन हम लोग कौन सा भी केस देखेंगे इसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिलो मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, ये डिस्टेंस को हम लोग देते हैं 20, ठीक है, पॉइंट ए। तो अभी हम लोग इसको नीचे से देखेंगे, तो ये तो फिर इस वाले लाइन पे ही आ रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे वो भी नीचे ही है। तो हम लोग वर्टिकल प्लेन पे तो कुछ नहीं चेंज करते, मतलब रोटेट नहीं करते हम लोग, तो ये यहाँ पे ए तो सेम रहेगा, यहाँ पे ए डैश नीचे आ जाएगा 20। तो ये थे डिफरेंट केसेस जो हम लोग ने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लेके देखे, यही हम लोग आगे सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के लिए। और भी वीडियोस बहुत आने वाले हैं हमारे, और भी नीचे हैं, ठीक है। तो ईडी का आप सब्सक्राइब करो जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।